सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। एक बार की बात है, एक आदमी था जो एक बहुत बड़ा अपराधी था। उसने अपने जीवन में कई लोगों के घर से धन लूटा था और कई लोगों की हत्याएं भी की थी। वह जहाँ पे रहता था वहाँ के लोग उससे बहुत घृणा करते थे, कोई उससे बात तक नहीं करता था। पर एक बात उन लोगों को पता नहीं थी कि वह अपराधी ये जानता था कि उसने बहुत पाप किए हैं और उसे इसका पछतावा भी था। उसे किसी तरह से अपने सारे बुरे कर्म भुलाकर एक नया जीवन जीना था जिसमें वह सिर्फ अच्छे कर्म कर सके। वह अपराधी ने एक दिन एक निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा और उनका भिक्षु बन जाएगा। पर लोगों में इतनी घृणा थी उसके लिए कि अगर वो लोगों से बात भी करने को जाता तो लोग उसे मार देते। इसलिए वह बुद्ध के आश्रम में नहीं जा पा रहा था क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग पहले से ही होते थे। इसलिए उसने ऐसे समय जाने का निश्चय किया जब आश्रम में कोई भी ना हो, और वो आश्रम के मुख्य द्वार से ना जाकर आश्रम के पीछे की दीवार से कूद कर अंदर जाने का निर्णय लिया। जब वह अंदर पहुँचा तो उसे मालूम पड़ा कि बुद्ध तो भिक्षाटन करने गए हैं। उसी वक्त वहाँ पे एक बुद्ध का भिक्षु था जिसने उस अपराधी को देख लिया और उसे पकड़ भी लिया। उस अपराधी ने कहा कि मैं चोरी करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ चारों ओर अच्छी तरीके से जाना जाता हूँ, यहाँ के अधिकांश लोग मुझसे घृणा भी करते हैं, इसीलिए मुझे विवश होकर इस दीवार से कूद कर अंदर आना पड़ा। आपको शायद यकीन न हो लेकिन मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ आया हूँ। यह बात सुनकर उस भिक्षु ने उस व्यक्ति को बुद्ध के एक वरिष्ठ भिक्षु सारिपुत्र के पास ले गए जो महान ज्योतिषी थे और वो लोगों के पिछले जन्मों को पढ़ने की क्षमता भी रखते थे। इस जीवन में यह एक बहुत बड़ा अपराधी है लेकिन शायद पिछले जन्म में उसने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से आज उसे सन्यासी बनने का विचार आया। सारिपुत्र ने अपने ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान से उसके पिछले कई जन्मों को देखा लेकिन वह व्यक्ति अपने सारे जन्मों में एक अपराधी था। सारिपुत्र ने कहा कि यह आदमी तो बहुत खतरनाक है, इसने पिछले जन्मों में भी कई हत्याएं की है, एक भी ऐसा जन्म नहीं जहाँ पे यह एक अच्छा व्यक्ति था, इसलिए इस व्यक्ति में परिवर्तन लाना तो असंभव है, बुद्ध भी इसका कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि इस व्यक्ति को तुरंत आश्रम से बाहर निकाल दो। यह सुनकर उस आदमी को बहुत दुख हुआ, वह अब आत्महत्या करने के लिए निकला था। मुख्य द्वार के कोने के आसपास उसने खुद को मारने के लिए पत्थर की दीवार को अपना सिर मारना शुरू कर दिया। उसी समय बुद्ध भिक्षाटन करके आश्रम में लौट रहे थे। आदमी को देखकर उन्होंने उसे रोका और अंदर ले गए। उससे कुछ समय तक वार्ता करने के बाद बुद्ध ने उसे अपना भिक्षु बना लिया। उसे बुद्ध का भिक्षु बनते देख सब लोग भ्रमित थे। सारिपुत्र बुद्ध के पास गए और कहा, यह आदमी आज और अपने पिछले कई जन्मों में एक बहुत बड़ा अपराधी था, कई पाप किए हैं इसने, इसे आप अपना भिक्षु कैसे बना सकते हैं? अगर यह आदमी किसी दिन परम ज्ञान को प्राप्त हो सकता है तो लोगों के पिछले जन्म को देखने का क्या मतलब है? बुद्ध ने उत्तर दिया कि आपने इस आदमी के पिछले जन्म को तो देख लिया लेकिन क्या आपने इसके भविष्य के बारे में सोचा? जिस भी क्षण किसी भी व्यक्ति ने बदलने का निश्चय किया तो वह अवश्य बदल सकता है, निर्णय ही निर्णायक होता है। बुद्ध ने कहा कि जिस दिन व्यक्ति सत्य के मार्ग पर पहला कदम रखता है उसका नया जीवन वहीं से चालू हो जाता है। इस आदमी ने अपने हजारों जन्मों में भले ही पाप किए हो लेकिन अब इसने बदलने का निश्चय किया है और परिवर्तन की उसकी तीव्रता अनंत है। ऐसे व्यक्ति भी निश्चित रूप से परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कुछ ही दिनों में वह दीक्षा लेने के सक्षम हो गया था। इससे हमें यह सीख मिलती है कि भले ही हमारे जीवन में हमने कितने ही गलत कर्म किए हो, जिस दिन हमने ये निश्चय किया कि हम आज से गलत काम करना बंद करके अच्छे कर्म करेंगे, उस दिन से हमारा नया जीवन चालू हो जाता है और हम पूरी तरीके से बदल जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मैं ऐसे ही वीडियोस बार बार डालता रहूँगा तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में।